वेलकम बच्चों। सो जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और आज हम टॉपिक देखने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसको हमको चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, सिंपल। सबसे पहले तो आपका एफ ऑफ एक्स यानी जो भी फंक्शन है जिस भी क्या बोलेंगे इंटरवल पर दिया है वहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में आप उसका क्या करेंगे, पहला डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। उसके बाद में आप वो जो डेरिवेटिव है उसमें तीन चार कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। अगर उस डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आती, मतलब या तो जीरो या तो पॉजिटिव, देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दूसरा, अगर वो लेस देन और इक्वल टू जीरो होता या मतलब जीरो या फिर नेगेटिव अगर आए तो देन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये ध्यान में रखना है। उसमें हो सकता कभी कभी कि एफ डैश एक्स जो है वो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो हो, इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो हो तो वहाँ पे थोड़ा शब्द ज़्यादा का जोड़ देना, कौन सा कि एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और अगर वो लेस देन जीरो है तो वहाँ पर भी शब्द जोड़ देना है, वैसे तो डिक्रीजिंग होगा, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी वो बिल्कुल ही किसी चीज़ के बराबर नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, करना क्या है, एफ ऑफ एक्स उसके बाद एफ डैश एक्स, और आपको चेक करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, ठीक है। अगर पॉजिटिव या फिर जीरो है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव या फिर जीरो है तो डिक्रीजिंग, सिर्फ पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सिर्फ नेगेटिव तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। और फिर इसके अनुसार हम यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 में। देखो क्वेश्चन क्या कहा है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी जो फंक्शन आपको दिए गए वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये आपको चेक करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो यहां पर हम इसके आंसर्स ढूंढते हैं, ठीक। सबसे पहले जो हमारे पास में मेन क्वेश्चन है फर्स्ट, उसमें से फर्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, चलो बताओ। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है ये एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 16, ठीक है। और x बिलोंग्स टू क्या है, r, यानी वो रियल नंबर है। x के कोई भी वैल्यू ले लो वो रियल नंबर में से होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर हम डेरिवेटिव निकालेंगे यानी एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा डेरिवेटिव है, चलो देखो ये सभी का क्या करेंगे हम डेरिवेटिव। यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पट से बताओ, 3x² माइनस यहाँ पर 6x² है तो एक देखो 6 तो बाहर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा ट्वाइस एक्स, मतलब ये 2 नीचे आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, तो मैं लिखता हूँ 12x, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 12x है तो प्लस 12 बाहर गया और x का डेरिवेटिव 1 होगा, छोड़ दो, माइनस यहाँ पर 16 यानी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पर काम करते हैं हम, तो देखो भला यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास में है 3x² माइनस 12x प्लस 12 है, ठीक। अब यहाँ से आप काम क्या कर सकते हो, 3 को मैं बाहर निकाल लेता तो 3 बाहर गया तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस 3 4 और यहाँ पे 7 में x रहेगा प्लस 3 4 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसको और थोड़ा सॉल्व करते तो यहाँ पर आप देख लीजिए तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, कौन सा, देखो ए स्क्वेयर है माइनस इसको तोड़ दो तो 2 × 2x यानी 2ab हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर है तो यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब फिर से चेक कर लो, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या फार्मूला है, ए स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस 2ab मतलब 2 × 4 और ये 4x और 2² यानी 4 हो जाएगा ऐसा। तो ये यहाँ पर हमको एफ डैश एक्स मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो x की वैल्यू दी थी वो क्या थी, बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब r यानी रियल नंबर, रियल नंबर में कुछ भी आता है, चाहे तुम्हारे फ्रैक्शन में हो, चाहे तुम्हारे इंटीजर्स हो, चाहे तुम्हारे नेगेटिव नंबर हो, चाहे तुम्हारे पॉजिटिव नंबर हो, कुछ भी हो, ठीक है। दो मिनट के लिए मैं अगर x की वैल्यू अगर छोटी वैल्यू लेता, समझो मैं 1 लेता तो 1 − 2 क्या होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर और यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो ये 3 है, 1 − 2 क्या बनेगा, -1 उसका स्क्वायर। लेकिन बच्चों यहाँ पर फिर से निगेटिव है लेकिन स्क्वायर में तो पॉजिटिव होगा यानी 3 × 1 यानी आंसर तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लूँ तो -1 − 2 कुछ भी ले लो, ठीक है,
कुछ भी वैल्यू नेगेटिव आएंगी अंदर तो भी स्क्वायर में पॉजिटिव होगा, जो भी वैल्यू आएंगी वो वैल्यू हमारी पॉजिटिव होंगी, ठीक है। या फिर अगर एक्स की वैल्यू मैंने मान लीजिए कि 2 ले ली, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो 0 का स्क्वायर 0 इंटू 3 यानी 0, मतलब इसकी वैल्यू या तो 0 आती है या तो पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसकी कुछ भी वैल्यू या तो जीरो या तो पॉजिटिव आ रही, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सो क्या लिखेंगे, सो एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, फॉर ऑल, फॉर ऑल x belongs to R, ठीक है। बस सिर्फ आपको उसका क्या करना है, डेरिवेटिव यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम सेकेंड वाला। तो सेकेंड में देखो किस तरह से हमारे पास में ये क्वेश्चन है हमारे पास, चलो पट से क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, ये 2 है माइनस 3x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस x क्यूब फॉर ऑल x belongs to R, ठीक है। अब चलो यहाँ पर भी इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो यफ डैश एक्स, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये बन जाएगा हमारे पास में 3, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव तो 1, ये 2 नीचे आएगा तो ये बनेगा 6x माइनस यहाँ पे बनेगा 3x स्क्वेयर, ठीक। ये 0 को छोड़ दो, इन तीनों में से 3 बाहर निकलता, एक्चुअली माइनस 3 निकाल सकते हैं, तो माइनस 3 बाहर निकाला आपने, यहाँ पे बचेगा 3 1 3 माइनस 3 2 बनेगा और ये माइनस का प्लस होगा, 3 बाहर गया, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसको अगर थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं आप, तो 3 इसको पहले लिख ले, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से x माइनस 1 होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, आप करके देख लो, ठीक है। देखो x का a माइनस b का स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 2ab मतलब 2 1 और ये 2x हो जाएंगे और b का स्क्वेयर यानी 1, ठीक है। अब बात क्या है, अब बात यहाँ पर मैं इसके अनुसार अगर जाता हूँ तो x की कोई भी वैल्यू लो, भले ही अंदर पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन स्क्वेयर बनने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन उसमें बाहर में तो चेक करो, ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट की कुछ भी वैल्यू लेंगे तो भी वो क्या आने वाली है, पॉजिटिव जाएंगे, ठीक है। और पॉजिटिव आने के बाद बाहर ये माइनस है तो पॉजिटिव नेगेटिव बच्चों बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। हाँ एक बात, अगर मैं x की वैल्यू 1 भी तो चलती है, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में 1 भी आते हैं, तो x अगर मैं 1 लूँ तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब इस फंक्शन की जो वैल्यू है या तो वो 0 बनती है या तो निगेटिव, मतलब इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। और इसीलिए हम कहेंगे कि f ऑफ x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या है हमारे पास में, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आपको ध्यान में रखना है, सिंपल सा है, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन ले लेते ताकि आपका वो और क्लियर हो जाए। सो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये है एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बट एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, वो भी नेगेटिव में। तो चलो यहाँ पर हमारे पास माइनस है, चलो पहले तो आप इसका डेरिवेटिव निकालो, यम डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा माइनस, आपको मालूम है बच्चों 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वेयर, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं समझता तो कैसा, देखो ये माइनस छोड़ो, ये 1/x, 1/x को कैसा लिखेंगे, एक्स पावर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव अगर करते तो माइनस 1 सामने आएगा, यानी एक्स पावर n का डेरिवेटिव क्या फार्मूला है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो n सामने आए मतलब माइनस 1 सामने, एक्स पावर n माइनस 1 मतलब माइनस 1 माइनस 1, यानी ये बन जाएगा माइनस 1, ठीक है, इंटू यहाँ पर एक्स पावर माइनस 2, तो ये माइनस ये 1, इसको नीचे लेके आओ तो इस तरह से हो जाएगा। अब ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं चाहिए थी, बार बार हो चुका था हमारा जब हमने डेरिवेटिव चैप्टर को पढ़ा था, ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको भी परेशानी होती है क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस माइनस प्लस होगा 1/x² होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, उसने ऑलरेडी कहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे 0 के तो कंसेप्ट बनती ही नहीं है, ठीक है, छोड़ दो उसको। लेकिन अगर मैं अभी x की कुछ भी वैल्यू ले लो, कुछ भी x की, यहाँ पे तो x है नहीं, सिर्फ यहाँ पर x है,
जीरो तो लेना नहीं, जीरो छोड़कर कुछ भी लो। समझो मैं एक्स की वैल्यू एग्जांपल के लिए टू लेता, तो टू का स्क्वायर क्या होगा? फोर। भले ही पॉइंट में आंसर आएगा, भले ही पॉइंट पे आंसर आएगा, वो वन प्लस पॉइंट में कुछ भी हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वन पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। इवन तो अगर कुछ आ भी गया तो जीरो पॉइंट समथिंग होगा, वैसे तो वन जीरो पॉइंट समथिंग होने के चांसेस कम है, वन पॉइंट समथिंग अच्छे होंगे, लेकिन वो तो जीरो से ज़्यादा है यानी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं माइनस टू ले लूँ, अरे माइनस टू भी लेंगे, ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा ना भाई, तो जो भी होगा ना यहाँ पे, इवन जब वन लेंगे आप तो वन का स्क्वायर वन होगा, ठीक है, और वन बाय वन वन यानी वन प्लस वन क्या होगा टू, वो भी पॉजिटिव है। माइनस वन लेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर भी प्लस वन होगा, तो भाई फिर से आंसर पूरा का पूरा आंसर पॉजिटिव आ रहा, जीरो हम लेंगे नहीं, ठीक है, और यहाँ पे जीरो लेंगे भी नहीं तो जीरो आने के चांसेस भी नहीं बनते, यानी ये जो है ये कम्प्लीटली हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर दैन जीरो। अब नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू मत बोलना, यहाँ पर जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू बोला, यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, चाहे आप कुछ भी ले लो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बट x not equal to zero। तो ये बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास में जैसे आज अगर आप डायरी में लिखते हो तो डायरी में क्या लिखेंगे, ये हेडिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, और यहाँ से इतने पॉइंट्स, ये हो गए हमारे मेन पॉइंट्स, ये तो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन निकाल सकते हो। अब इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सा, कि अगर आपको एक आधा फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया जाए और किसी कांस्टेंट की वैल्यू वगैरह निकालने को कहे, या फिर एक आधा पॉइंट निकालने को कहे, तो वो इसके नेक्स्ट क्लास में हम लेने वाले, ठीक है। सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में, टिल देन बाय।